नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रखर है और आपका मेरे चैनल so कि क्यूबिंग कुछ ऐसे so guys, आप सोचेंगे इस पैटर्न को सिक्सटी पैटर्न क्यों कहते हैं की आप देख सकते हैं कि इस क्यूब में सिक्स फेसिस हैं और हर सिक्स फेसिस में टी बना हुआ है आप देख सकते हैं इसलिए हम इस पैटर्न को कहते हैं सिक्सटी पैटर्न गैस पैटर्न बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक नोटेशंस को ध्यान रखता हो पड़ेगा गैस बेसिक नोटेशंस में आपको बता देता हूँ जो गैस मैं आपको राइट हैंड साइड में आपको लेयर दिख रही है जब मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ अगर हम इसे वन टाइम ऊपर करेंगे या कुछ इस तरीके से तो ये कहलाएगा आर ओके गाइस गाइस जब हम राइट right लेग को वन टाइम नीचे लेके जाएंगे कुछ इस पोजीशन पे तो ये कहलाएगा आर डश ओके गाइस ये जो गाइस लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेयर दिख रही है अगर हम इस लेयर को नीचे करेंगे वन टाइम तो ये कहलाएगा एल और गाइस ये जो हमारी लेफ्ट लेग को वन टाइम ऊपर करेंगे तो ये कहलाएगा एल डश जो आपको ये फ्रंट पे लेयर दिख रही है आपको घुमा के दिखा रहा हूँ अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ इस पोजीशन पे तो ये कहलाएगा ओके और गाइस अगर हम इस फ्रंट लेयर को वन टाइम पीछे करेंगे मींस एंटी क्लॉकवाइज तो ये कहलाएगा एफ डैश ये बैक में लेयर दिख रही है अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये कहलाएगा हमारा B। अगर अगर हम इसे क्लाक घुमाते हैं तो ये कहलाएगा बी डैश आपको ये अपर में जो लेयर दिख रही है जो मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूं ठीक है इससे अगर हम उप, आगे बढ़ाएंगे तो ये कहलाएगा U ओके गाइस यू स्ट्रेंस फॉर अपर लेयर ओके गाइस अगर हम अपर लेयर को पीछे लेके जाएंगे तो ये कहलाएगा यू डैश ये जो डाउन रहा है जिसे मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूं अगर हम इसे वन टाइम पीछे करेंगे कुछ इस पोजीशन पे तो ये कहलाएगा डी ओके गैज अगर ये जो डाउन रहा है उसे वन टाइम आगे लेके जाएंगे तो ये कहलाएगा डी डैश तो गाइस गाइस इतने बेसिक है और guys, आपको क्या करना होगा जब आप पैटर्न्स बनाते हैं तो आपका ये क्यूब सॉल्व स्टेट में होना चाहिए तो so गाइस पैटर्न बनाना शुरू करते हैं ऑलराइट लवली क्यूबर्स पैटर्न बनाना शुरू करते हैं आप भी मेरे साथ क्यूब्स ले लीजिए पैटर्न बनाना शुरू करते हैं सो so गाइस पहले आपको क्या करना होगा ये जो आपके फ्रंट लेयर है जो मैंने आपको बताई थी उसे टू टाइम्स हमें क्लॉकवाइज घुमाना है One. आप देख सकते हैं मेरे साथ आप करते जाइए और ये, okay, ये टू लेयर है जो मैं आपको घुमा के दिखा रहा था उसे टू टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये कच वन और ये टू ओके okay, गाइस राइट लेयर को टू टाइम्स आगे बढ़ाने के बाद यह जो आपकी अपर लेयर है जो मैं आपको घुमा के दिखा रहा था अब उसे टू टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है और तो ये हो गया वन ये हो गया टू हमें तो अपर लेयर को भी टू टाइम्स आगे बढ़ा दिया है अब हमें करना है एफ डैश मींस ये जो आपके फ्रंट लेयर है उसे तो वन टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एक कुछ इस तरीके से फिर आपको क्या करना होगा ये जो आपके बैक लेयर है ठीक है गाइस उसे वन टाइम एंटी क्लॉक घुमाना है ये कुछ इस पोजीशन पे है ना गाइस फिर जो आपके जो डाउन लेयर है उसे टू टाइम्स आगे बढ़ा देना है ये कुछ वन और ये टू हमने डाउन लेयर को टू टाइम्स आगे बढ़ा दिया अब ये जो है लेफ्ट लेयर है ओके गाइस इसे टू टाइम्स एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है ये ये हो गया वन और ये टू हमने लेफ्ट लेयर को टू टाइम्स एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के बाद फ्रंट लेयर को वन टाइम क्लॉक वाइज घुमाना है फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद बैक लेयर को आपको घुमाना है ये इस तरीके से सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये सिक्सटी पैटर्न बन के रेडी है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पैटर्न बनाया हमारा ये सो so गैस जब आप पैटर्न बना लेते हैं तो हमें अपने क्यूब को सॉल्व स्टेट में लाना होता है सो so गैस जहां से आपने ये पैटर्न बनाया था है ना गाइस उसी सेम पोजीशन पे आपका क्यों होने वाला है अब जैसे कि आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं सो तो गाइस यहाँ से हमें एक एल्गोरिथम लगाना होगा हमें वो वाला एल्गोरिथम नहीं लगाना है जो हमने बनाया था ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें पैटर्न बनाने का अलग एल्गोरिथम होता है और सॉल्व करने का अलग एल्गोरिथम होता है सो गाइस इसे सेम पोजीशन से ये पैटर्न लगाना शुरू करते हैं पहले आपको क्या करना होगा पहले जो आपके बैक लेयर है उसे क्लॉकवाइज घुमाना है एक और इस पोजीशन पे बैक लेयर को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमें क्या करना होगा फ्रंट लेयर जो है उसे वन टाइम एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है ये हम ले गए इसे एंटी क्लॉकवाइज तो गाइस ये जो आपके लेफ्ट लेयर है उसे टू टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है वन और ये टू सब लेफ्ट लैग को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद डाउन लैग को टू टाइम्स आगे बढ़ा देना है ये और ये टू। so guys, ये जो आपकी बैक लेयर है उसे वन टाइम आगे बढ़ा देना है मींस क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज so सो आपकी फ्रंट लेयर है

और ये आप यहाँ देख सकते हैं की हमारा हो चुका है अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर गैस आपने पैटर्न बनाया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं जय सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए